So, good morning, 9th class. Let's start with part 5, chapter 2. That is, what is democracy and why democracy? So, let's continue. Last class में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बेसिस पर होनी चाहिए. जैसे कि मैंने बहुत सारी केसेस बताया था कि सऊदी अरेबिया में वीमेंस के पास राइट नहीं है, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी के पास राइट्स नहीं है, फिजी में जो इंडियन फिजियंस हैं उनकी वोट की वैल्यू जो है वो बहुत लेस है. तो बहुत सारी केसेस थी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बेसिस पर नहीं थी, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि जो इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए किसी भी कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू होना चाहिए इलेक्शन के लिए, वो कैसा होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. लेकिन जो भी मैंने कंट्रीज का नाम लिया वहाँ पर ऐसी कुछ बातें नहीं थी. इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं था वहाँ पर, इक्वल बेसिस पर इलेक्शंस नहीं होती थी. बस मैं आ रही है ना, चलिए आइए हम एक नया फीचर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं. एक नया केस स्टडी है जिम्बाब्वे का. कहाँ का? जिम्बाब्वे का. ये केस अफ्रीकन कंट्री है. देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या हुआ था. तो बच्चों, जिम्बाब्वे जो है वो इसकी जो इंडिपेंडेंसी मिल इसे जो इंडिपेंडेंसी मिली थी वो कहाँ कब मिली थी? 1980 में. किससे? ब्रिटिशर्स से. जिस तरह से हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे वैसे इन जिम्बाब्वे भी ब्रिटिशर्स का ही कॉलोनी था. जिसे इंडिपेंडेंसी कब मिली? 1980 में. बात आ रही इसी में. तो और तब से 1980 में ब्रिटिशर्स से इनको इंडिपेंडेंसी मिली और तब से वहाँ पर एक पार्टी थी जैनू पीएफ, ZANUPF. क्या नाम है इसका? जैनू पीएफ. इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है तो याद रखना, Z फॉर जिम्बाब्वे, A फॉर अफ्रीकन, N फॉर नेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर पैट्रियोटिक, F फॉर फ्रंट. ठीक है ना? तो याद रखना आप लोग ये बात. तो वहाँ पर जब जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हो गया तो वहाँ पर एक पार्टी थी जैनू पीएफ, वहीं इलेक्शन जीत करके और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली. और आपको पता है कि ये जो जैनू पीएफ जो पार्टी बनी थी वो किसके लीडरशिप में बनी थी? उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे. जिम्बाब्वे में जो जैनू पीएफ ने एक पार्टी बना करके अपनी इंडिपेंडेंसी की फ्रीडम स्ट्रगल किया था, ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंसी दिलाई थी जिम्बाब्वे को, यानी कि सबसे जो पॉपुलर पार्टी थी वो कौन थी? जैनू पीएफ. उसके लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे. बस मियाँ थी, इन्होंने अपनी बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ी और तब जाकर 1980 में इनको इंडिपेंडेंसी मिली. अब वैसे ही ठीक जैसे हमारे इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का यही रूल था और उसको हमने रिमूव करने के लिए हमने कौन सी पार्टी बनाई थी? कांग्रेस पार्टी बनाई थी. और कांग्रेस बहुत पॉपुलर पार्टी बनी और इंडिपेंडेंसी के बाद वहीं गवर्नमेंट भी बनाई. देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन था, ठीक है ना? तो और रॉबर्ट मुगाबे इंडिपेंडेंसी के बाद प्रेसिडेंट बन गए. तो ऑब्वियसली बात है, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू. अब किसी कंट्री में प्रेसिडेंट हेड होता है, किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, रियल हेड. तो जिम्बाब्वे में रियल हेड कौन है? प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे बन गए. आपको पता है कि 2017 तक 1980 से 2017 यानी अराउंड 37 ईयर्स, कितने ईयर्स? 37 ईयर्स तक जैनू पीएफ ही मैनेज टू विन द इलेक्शन. खाली जैनू पीएफ जो पॉलिटिकल पार्टी थी यानी रॉबर्ट मुगाबे ही इलेक्शन जीत रहे थे और कोई पार्टी जीत ही नहीं पा रही थी. बस में आ रही है, क्योंकि पार्टी यूजेज मेनी अनफेयर प्रैक्टिसेज इन इलेक्शंस. इलेक्शन में ये जो पार्टी थी बाद में अपने आप को विन कराने के लिए, रॉबर्ट मुगाबे को अपने आप को प्रेसिडेंट बनाए रखने के लिए, उन्होंने बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी कि डर्टी ट्रिक्स यूज किए थे. बस मियाँ, यहाँ पर इलेक्शन रेगुलर होता था, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर इलेक्शंस रेगुलर होते थे, बहुत पॉपुलर लीडर थे, बहुत पॉपुलर पार्टी थी, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल करा दिया था जिम्बाब्वे को, तो कौन इसे वोट नहीं डालेगा? सभी लोग तो इसे वोट डालते ही. लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी एट्रोसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार इनकी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, इन्होंने इतना ज़्यादा लोगों के राइट्स टेकन अवे कर लिए गए कि लोग एजिटेट हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे और इनको जिताना नहीं चाहते थे. फिर रॉबर्ट मुगाबे ने अपनी प्रेसिडेंसी पोस्ट को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स का यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो
और पता है खाली अनफेयर प्रैक्टिसेज, ये तो इलेक्शन की बात हुई कि इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेज यूज करते, अनफेयर प्रैक्टिसेज यानी कि डर्टी ट्रिक्स यूज किया करते थे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन, जब जब इलेक्शन जीतते थे तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस करते थे, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करते थे और अपने आप को ना यानी कि प्रेसिडेंट की पावर को और ज़्यादा पावरफुल बना देते थे, बस में क्या इनकी की अकाउंटेबिलिटी हो ही ना किसी को, कोई इनसे क्वेश्चन ही ना करे, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने चेंजेस कर दिए। अपोजिशन पार्टी जो वर्कर्स थी उनको इन्होंने हैरेस करने लगे, मतलब कि जो प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे थे, अपोजिशन जितनी भी पार्टीज थी उनको हैरेस करने लगे, उनको हैरेस मतलब क्या, उनको जेल में डाल दिया, उनको मार दिया ताकि उनके अगेंस्ट में कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे। पब्लिक जो प्रोटेस्ट थी, अब लोग जो इनसे एजिटेट हो रहे थे, जो डिसेंट कर रहे थे, उनको डिक्लेयर इलीगल डिक्लेयर कर दिया, भाई अब आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। टेलीविजन और रेडियो कंट्रोल किसके, कौन करने लगा, गवर्नमेंट करने लगी। अब बताओ टेलीविजन और रेडियो जो कि गवर्नमेंट के राइट और रॉन्ग फंक्शन को, एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसको कंट्रोल किसने कर लिया, गवर्नमेंट ने, ताकि गवर्नमेंट के खाली फेवर में जो भी टेलीविजन और रेडियो पर दिखाया जाए या सुनाया जाए खाली गवर्नमेंट के फेवर में हो, उनके अगेंस्ट में ना हो। और नो वन कैन क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को तो कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता था, अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट दे दो, यानी कि मृत्युदंड। तो ये सारी सिचुएशंस ये दिखाता है कि जो पॉपुलर लीडर, देखो रॉबर्ट मुगाबे बहुत पॉपुलर थे, ज़ेनोपिया बहुत पॉपुलर थे, क्यों, क्योंकि पूरे जिम्बाब्वे कंट्री को इंडिपेंडेंसी दिलाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था, तो ऑब्वियसली बात है इनकी पॉपुलरिटी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोगों ने इनको जिता दिया। लेकिन इन लोगों को कहाँ पता था कि ये लोग ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिससे कि उनके राइट्स टेकन अवे कर लिए जाएंगे, उनके सारे उनको फोर्सली कंपेल्ड किया जाएगा कि भाई उनको वोट डाला जाए। तो बहुत सारी उन्होंने रॉन्ग बिहेवियर स्टार्ट कर दिए थे रॉबर्ट मुगाबे ने। तो ये इससे ये पॉपुलर लीडर क्या हो गए, ऑटोक्रेटिक बन गया, ऐसी उनके जो गवर्नमेंट थी वो अनडेमोक्रेटिक बन गई, बस में आ रही है ना। तो बहुत सा ये सारी चीज़ें दिखाता है कि जो पॉपुलर लीडर होता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा राइट हो, ठीक है ना, वो रॉन्ग भी हो सकता है अगर उसके अंदर ग्रीड आ जाता है, अगर उसके अंदर लालच आ जाता है, किसकी, कुर्सी की, चेयर की, अपने आप को प्रेजेंट पोस्ट की देने की, बस में आ रही है ना। तो अपने आप को हमेशा पावरफुल शो करने के लिए उसने अपनी पॉपुलैरिटी को क्या कर दिया, डिमेरिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये सब बातें क्यों हो गई, तो उन्होंने क्या कर दिया था, देख रहे हो, सेवरल राइट्स एंड लिबर्टी टेकन अवे, जितने भी लिबर्टी और राइट्स दिए गए थे सबको छीन लिया गया, एंड फ्रॉम सिटीजन्स, गवर्नमेंट डिड नॉट ट्रीट ऑल सिटीजन्स इक्वल, गवर्नमेंट सारे पीपल को इक्वल ट्रीट नहीं कर रही थी। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ना, फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज मस्ट टू टेक केयर ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की ये कंपल्स, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कंपल्सरी है कि वो पीपल्स के इंटरेस्ट को क्या करें, टेक केयर करें, उसके फेवर में काम करें, उसके अगेंस्ट में नहीं, आगे समझ में ना। और खाली इलेक्शन से पहले ही नहीं, आफ्टर भी द इलेक्शन, बिफोर द इलेक्शन नहीं, आफ्टर द इलेक्शन भी, मींस दे शुड रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, ये नहीं कि लॉ में चेंजेस करते अपने आप को पावरफुल बना लें और लोगों के राइट्स को टेकन अवे कर लें, लोगों के लिबर्टी को टेकन अवे कर लें, तो लोगों के एजिटेशन को इलीगल प्रूफ कर दें, उनके मूवमेंट, उनके प्रोटेस्ट को इलीगल प्रूफ कर दें, उनके साथ कोई जस्टिस ना हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, तो ऐसी कंट्री कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती। तो रॉबर्ट मुगाबे ने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी चेंजेस कर दी कि उन्होंने, इसका मतलब कि उन्होंने लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करी, केवल अपना प्रॉफिट देखा। इसलिए कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, अपना प्रॉफिट कभी नहीं देखते, हमेशा दूसरों का प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने केवल अपनी प्रॉफिट देखी और सारे लोगों की राइट्स और लिबर्टी टेकन अवे कर लिए। इसलिए कहा जाता है कि भाई लॉज जो हैं, अगर वो लॉज लोगों के इंटरेस्ट में हैं, उनके फेवर में, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसलिए आज आपका एक और फीचर ऐड हो रहा है, किसमें, डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं, बट कि लिमिट के अंदर में काम करती है, लिमिट से आगे नहीं, जिसको किसने सेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कि हमारी कंट्री भी कॉन्स्टिट्यूशन से रूल करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है या लेवल है उसे वायलेट करता है, तो कोई ना कोई हमारी कंट्री में ज्यूडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, कोई ना कोई उसे कंट्रोल और मेंटेन कर देता है, ताकि कोई भी
कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम ना करें। तो एक नया फीचर आपके पास है, कौन सा? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, यानी कि इनका रिस्पेक्ट किया जाए। तो हम मैं आप लोगों को इतने सारे समरी बताने के बाद मैं आप लोगों को समराइज कर रहा हूँ कि अब तक हमने कितने फीचर्स पढ़े। तो सबसे सिंपल लॉ, सिंपल फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, सिंपल पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या क्या ऐड करना शुरू कर दिया कि जो मेजर और फाइनल डिसीजन है कौन लेगा, इलेक्टेड रूलर्स लेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तब जाकर के वो कंट्री क्या कहलाएगी, डेमोक्रेसी। और आपको याद होगा फर्स्ट डे की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं जैसे सोवर्निटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी, डिग्निटीफुल लाइफ एक्सेट्रा, अगर ये वैल्यूज जिस कंट्री में हैं, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वहीं जाके कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। तो याद आ रहा है ना, हमने इतनी सारी डेमोक्रेसी की फीचर्स ऐड कर ली। आप लोग क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप जरूर सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। और पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी एक 5 मार्क्स का एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि सपोज क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई मेजर एंड फाइनल डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द इलेक्टेड रूलर्स, व्हाई, वैसे ही क्वेश्चन ये आएगा व्हाई रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, व्हाई क्वेश्चन ये आएगा व्हाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉलोड बाय द डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाई why there is a need of equal opportunity in a democratic country, why rule of, why there is a rule of law। तो questions ऐसे भी different separate भी आ सकते हैं या एक ही question आ सकता है। अगर separate question आएंगे तो particular जो मैंने case बताए हैं उस case को लिखो और prove कर दो, पास में आ रही है ना। अगर एक ही साथ पूछ रहा है तो बस उतना explain करने की जरूरत नहीं है, बस दो 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 लाइन आप explain करो, उसके हर एक चीज़ के बारे में बताओ और write down कर दो। अरे समझ में ना। तो आज अब तक हमने पढ़ा क्या कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी रियली गुड है या बैड है, ठीक है ना। तो इसी के फेवर में आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे और इसके अगेंस्ट में हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।